हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश। गाइस, आज मैं आप सबके लिए बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो है बीए ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर जो है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, उसका जो है पहला टॉपिक, पहला जो यूनिट है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है, उसके ऊपर आपके लिए एक राजनीति के ऊपर बेसिक सी जानकारी देने आया हूँ। और आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है राजनीति को लेकर वो क्लियर होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम बात करते हैं तुम्हारा जो पहला यूनिट है हमारा जो है वो है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो राजनीति है क्या, पहले इसको समझना होगा, उसके बाद के जो आगे के यूनिट्स है उसको समझना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके उपागम क्या क्या हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि राजनीति है क्या। तो अगर हम बात करें कि राजनीति क्या है, तो एक आम धारणा जो है लोगों की, तो आपने अक्सर ये कहते हुए लोगों से सुना होगा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, या हम राजनीति में नहीं फंसना चाहते हैं। और आजकल के युवा वर्ग जो है वो भी इसी बात में बिलीव रखता है, ये भी इसी बात में विश्वास करता है कि हम जो है राजनीति में हस्तक्षेप या राजनीति में भाग लेना नहीं चाहते, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है राजनीति से घिरा हुआ है। चाहे हम कोई भी काम करने की सोचते हैं या उस काम को करने से मना करते हैं, ये भी एक राजनीति का पार्ट है। यानी कि हमारे द्वारा जो है कौन सी नीति को अपनाया जाता है। जैसे कि सपोज़ करो कि हमें 11th 12th में जो है क्या सब्जेक्ट लेना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो भी हमारा क्या है, एक राजनीति का पार्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जीवन है वो राजनीति से अछूता रहा है। अगर हम देखें तो राजनीति को नॉर्मली जो है औपचारिक संस्थाएं जो है उसके अध्ययन को जो है, और पॉलिटिक्स से सत्ता प्राप्त करने की जो है, कुर्सी प्राप्त करने की जो लालसा है, उसी से राजनीति को जोड़कर देखा जाता है। साथ ही साथ में जो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएँ हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संसद, इन सब के कार्यों को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये जो है एक औपचारिक जो है, केवल क्या कहते हैं कि औपचारिक एक विचार है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से हम दूर होने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें आधुनिक विचार, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि राजनीति जो है जिसमें हम ना केवल राजनीतिक औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन जो होता था केवल राज्य और उसकी संस्थाओं का अध्ययन करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में राजनीति के अंतर्गत राज्य और उसके औपचारिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे समाज है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, इन सब का अध्ययन जो है राजनीति के अंतर्गत में अब किया जाने लगा है। अगर हम नॉर्मली तौर पर बात करें, तो अगर हम देखें डेफिनेशन के तौर पर, तो राजनीति जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और नीति। अर्थात ये वो नीति है जिसके द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो राजनीति का जो दायरा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, और इस पर राजनीति के ऊपर विभिन्न विचारकों ने अपने विचार जो है वो प्रकट किए, जिसमें यूनानी विचारक हैं, उदारवादी विचारक, मार्क्सवादी विचारक, समुदायवादी विचारक, इन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए राजनीति के ऊपर। और सबसे पहले जो है राजनीति की शुरुआत अगर हम देखें तो यूनान से मानी जाती है। कहाँ से, राजनीति की शुरुआत जो है वो यूनान से मानी जाती है, जिसमें तीन प्रमुख विचारक जो थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने राजनीति को जो है और इनसे जुड़े सिद्धांत जो है उसको विश्व के सामने लेकर आए। राजनीति और उससे जुड़े जो जितने भी सिद्धांत थे उन्होंने, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने जो है ये विश्व के सामने लेकर आए। और अंग्रेजी में जो है राजनीति को पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो यूनानी शब्द का जो पॉलिस है उससे जुड़ा हुआ है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, ठीक है। और ये यूनानी विचारकों ने राजनीति को जो है नगर व राज्य के अध्ययन को इन्होंने राजनीति कहा है। जो यूनानी विचारक थे जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जो थे, इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है, तो इनका मानना था कि राजनीति का मतलब है नगर और राज्यों का अध्ययन ही राजनीति है। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है यूनानी विचारक जो है, जैसे कि अरस्तु ने, प्लेटो ने जो है शुरू किया, तो इन्होंने जो है पूरे जो नगर है उसको इन्होंने तीन भागों में बांटा, तीन वर्गों में बांटा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग।
और तीनों को जो है इन्होंने अपना अपना काम समझाया और ये कहा कि जो तीनों जो है अपने अपने काम को अगर सुचारू रूप से करते हैं और दोनों तीनों जो है एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब जो है राज्य का संचालन अच्छे से हो पाएगा। क्लियर है। इसके अलावा जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने जो है 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसके बारे में जो है अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक प्रणाली है उससे पूरे विश्व को अवगत कराया। तो एक तरीके से राजनीति विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु ने और प्लेटो ने जो है नागरिकों को जो है नागरिकता से वंचित रखा है, जैसे राज्य जिससे राज्य का संचालन जो है करने के लिए अरस्तु ने जो है विभिन्न प्रकार के विचार दिए थे। 158 संविधानों का अध्ययन करा और उससे जो है अलग अलग तरीका बताया कि हाँ इस तरीके से भी राजनीति और राज्य का संचालन जो है इस तरीके से भी किया जा सकता है। प्लेटो ने जो है जहाँ उत्पादक वर्ग को नागरिकता से वंचित किया था, वहीं अरस्तु ने महिलाओं को, विदेशियों को, दासों को और व्यापारियों को जो है क्या करा, इन्होंने नागरिकता से वंचित रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि नागरिक जो राजनीति है, राजनीति जो है राज्य का संचालन करने के लिए एक कला है, कला और एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा राज्य का संचालन जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें तो राजनीति के ऊपर जो है विभिन्न दृष्टिकोण हम देखने को मिलता है, जैसे उदारवादी दृष्टिकोण जो है राजनीति को ये क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसके अलावा जो है समुदायवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राजनीति क्या है, तो राजनीति का अर्थ है राज्यों एक ऐसी नीति जिसके द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है और उसके जो अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका, उनके बारे में जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन, इसके अलावा जो उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे समाज हो गया, लोगों का व्यक्तित्व हो गया, व्यवहार हो गया, क्योंकि राज्य और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, पर्यावरण जो हो गया हमारा। तो ये जो है राजनीति का दायरा आज जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। और राजनीति के अध्ययन में जो हम क्या पढ़ते हैं, पहले तो केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब औपचारिक संस्थाओं के अलावा समाज, लोगों का व्यवहार, पर्यावरण, इन सब को भी राजनीति के अध्ययन में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति के ऊपर जो है मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, उदारवादी विचारधारा क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।